पीली राई की दाल है ये मैंने ऐड कर दिया है गाइज। इसमें ऐड करूँगी मैं अभी रेड चिली पाउडर तीखा वाला, आपको जितना तीखा पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आमचूर पाउडर, चाट मसाले वो डालते हैं, बट इसमें ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने 3 चम्मच डाल दिया है रेड चिली पाउडर, ये तीखा वाला है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप कलर वाली मिर्ची डाल सकते हैं इसमें। एंड जो मसाला मैंने बनाया था अचार का मसाला है गाइस, तो ये मैं डालूँगी इसमें, और ये मैं पूरा नहीं डालूँगी, जितना मुझे लगता है मैं उतना ही ऐड करूँगी, बाकी का मैं स्टोर। चलिए गाइस फाइनली आप देख सकते हैं अचार बनके रेडी हो चुका है, और ये 2 बर्नी में आया है पूरा। तो मैंने गाइस दोनों बर्नी में देखिए अचार को रख लिया है, आप देख सकते हो तेल भी देखिए मस्त से आपको दिखेगा। एंड बाहर बहुत धूप है तो गाइस मैं इसको रखने वाली हूँ बाहर धूप में। मैं तो 2 दिन धूप कल काट कर रात में धोकर सुखा दिया था, पानी देखिए पूरा एकदम ड्राई हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा धूप में ड्राई नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको इसको धोकर सुखाने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से ही धोकर आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, बट मेरे पास टाइम है, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से धोकर रात में ही सुखा लिया था। तो यहाँ पर गाइस अभी एक और काम करना है जो हमें इसमें डालना है, नमक। मैं नमक डाल के इससे जो होता है ना, जब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी तो अभी वो पानी मतलब जो होगा नमक से जो है एक्स्ट्रा पानी छूटेगा, तो हमको थोड़ा सा इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको भी डिस्कार्ड करना है। तो नमक डाल कर गाइज मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी, आधे घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि जब नमक ऐड करूँ तो जितना पानी निकलेगा हमको उसको डिस्कार्ड करना है। तो चलिए मैं इसमें अभी नमक डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट लिया बिकॉज़ मेरे पास अभी पिंक सॉल्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं ये पूरा इसमें डालूँगी, इसको अच्छे से मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत, ये लोग बोलते हैं कि ऐसे झटपट बनने वाला अचार साल भर रहता है, नहीं, क्योंकि आप साल भर थोड़ी ना खाओगे, महीने भर में ही ख़त्म हो जाएगा। बट इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होगा विनीगर, यानी कि जब आप पूरा अचार बना लोगे तो लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है विनीगर, क्योंकि विनीगर जो है वो इसकी एक लाइफ, लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम इसको धूप ज़्यादा, मतलब अगर आपके पास टाइम है आप इसको धूप दीजिए, मेरे पास बहुत टाइम है, बट फिर भी इंस्टेंट पिकल बनाने के लिए आपको विनीगर लगेगा। तो मैं जब अचार पूरा बना लूँगी तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है विनीगर, विनीगर से खट्टापन आता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता बहुत। मतलब आप देखो, अगर आप बहुत कम अचार खाने वाले हो तो आप 6 महीना इसको यूज़ कर सकते हो, बट 6 महीना तो नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें नमक अच्छे से मिक्स कर दिया है गाइस, इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आपके पास टाइम है आप 1 घंटा पूरा दिन भी छोड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ नहीं, बट मैं घर पर हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को जितना लगेगा मैं उतना इसको रखूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे में 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, 10 मिनट में भी इसका पानी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए नमक सब में मिक्स कर दिया है। एंड गाइस मैं इसको अब छोड़ दूँगी कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पकड़ लो, 1 घंटा आधा घंटा जितना आपके पास टाइम है। आप ये नमक ऐसे लगा दिया, अब आप इसको हम छोड़ देंगे आधा घंटा 1 घंटा जितना आपके पास टाइम। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस अचार तो हम लोगों ने रख दिया है, नमक लगा के रख दिया है, अभी हम यहाँ पर अचार का जो मसाला है गाइस उसको भून कर लेंगे। तो यहाँ पे अचार के मसाले के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिया है कलौंजी, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, पीली राई या काली राई, कोई भी मेथी। इसके साथ आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, मैं इतना ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा बहुत लोग अजवाइन भी डालते हैं बट मैं अजवाइन यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये सब मैं यहाँ पर हल्का हल्का रोस्ट करके लूँगी क्योंकि ये तो मतलब अचार के लिए हर कोई करता है, सिर्फ मैं नहीं। मीडियम फ्लेम पर इसको इतना भूनना है कि हल्का हल्का ब्राउन हो जाए और इसके अंदर से खुशबू आने लगे। खुशबू तो खैर मेरी तो नाक बंद है, बट स्टिल इतना एरोमा तो है कि मतलब मैं ज़ोर से सूंघूँ तो आ ही जाए। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको हल्का हल्का भून के ठंडा कर लूँगी, एंड ठंडा करके हमको इसका पाउडर बना लेना है। हाँ, इसको हमको अच्छे से भूनना है, और बहुत सारे लोग अलग अलग इसमें मसाला डालते हैं। इसको हल्का हल्का जितना हो सके ना मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, फास्ट में नहीं वरना ये जल जाएगा।
बहुत लोग तो कड़ी पत्ता भी ऐड करते हैं, बहुत लोग लहसुन भी ऐड करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बना रही, मैं अपने गांव के जैसे बना रही हूँ, हमारे इलाहाबाद में जैसे बनते हैं, यानी कि हमारे लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, यानी कि मैं यूपी से हूँ। डेफिनेटली हैदराबाद का तो एकदम ही अलग होता है अचार, उसके कंपैरिजन में मतलब वो तो एक नेक्स्ट लेवल है। बट गाँव में जो हमारे बनता है वो ऐसा ही बनता है, काले मसाले का अचार बोलते हैं। तो आज मैं काले मसाले का ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में इतना ढूंढ रही हूँ ना गाइस, वो अचार मुझे मिल ही नहीं रहा है, काले मसाले का अचार। इसीलिए फाइनली मैंने सोचा इंस्टेंट 10 मिनट में, क्यों ना 10 मिनट तो नहीं बट ये इंस्टेंट पिकल हम घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको मैं अच्छे से रोस्ट करके गाइस ठंडा कर लेती हूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने अचार का जो मसाला है वो मैंने भून लिया है, बट अभी बहुत गर्म है तो उसको ठंडा होने देते हैं गाइस। एंड ठंडा होने के बाद इसको हम पीस कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसको पीस लूँगी उसके बाद। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा इसको पीसना है। तो अभी अचार यानी कि जो आम है अभी उसमें पानी थोड़ा सा ही निकला है, ज़्यादा नहीं, तो और निकले इसके लिए मैं उसको और रेस्ट करने दूँगी, यानी कि और पानी उसमें से और डिस्कार्ड हो जाए। एंड इसको ठंडा होने देते हैं उसके बाद इसको पीस के लिए। यहाँ पे देखिए रखकर मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है इसको, एंड इसको हम अभी यहाँ से छानेंगे ताकि जो भी पानी निकला है वो अलग से हो जाए। एंड मसाला जो मैंने यहाँ पे रखी थी ये देखिए ठंडा करके यहाँ पे गाइस मैंने इसको पीस लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ठंडा कर लिया है एंड इसको पीस लिया है मैंने। इसको साइड में करते देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बारीक बारीक नहीं किया है, इसको मैंने दरदरा पीसा है, देखिए दरदरा पीसा है ताकि जब आप अचार खाएं तो लगना चाहिए कि भाई अचार का मसाला है। एंड ये देखिए मैंने अचार जो कैरी है इसको मैंने छान लिया है यहाँ पे, एंड इसको हम रखेंगे अभी, और ऐसे नहीं कि बस हो गया, नहीं देखिए इतना पानी निकला है इसमें से गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली, देखिए इतना पानी इसमें से डिस्कार्ड हुआ, आप देख सकते हो कितना पानी निकला है, देखिए इतना पानी है। किसका फ़ोन बज रहा भाई, देखा आपको इतना पानी निकला है, तो ये हम डिस्कार्ड का, हाँ ये मैंने फेंक दिया है गाइस। एंड हाथ धुला मायशा को भी, इसको मैं वापस ऐसे ही गाइस आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है एक्सेस वो भी निकल जाए इसमें। इसको हम साइड में कर देंगे, मसाले को भी हम कर देंगे गाइस साइड में। एंड अचार के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है राई का तेल, तो गाइज़ हम राई के तेल को गरम करके ठंडा करेंगे, उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर होगा पहले वो, तो सबसे पहले हम तेल को गरम करते हैं राई के तेल को। चलिए गाइज़ यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, एंड मैं यहाँ पे एग्जैक्टली राई का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। क्यों यूज़ होता है अचार में, क्योंकि ये इससे भी अचार को एक लॉन्ग लाइफ मिलती है, क्योंकि इसमें स्मेल नहीं आती है। यहाँ पे मैंने इतना ही ऑयल लिया है, एंड जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं जो उसको आप देखिए सालन वगैरह कोई भी चीज़ ना वैसे रखोगे ना 3-4 दिन के बाद है ना उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, बट राई के तेल में स्मेल नहीं आती। तो गाइस यहाँ पे हमको तेल उतना ही गर्म करना है, जब तेल से भाप आने लगे तो तेल गर्म हो जाएगा, गैस बंद कर दो। तो यहाँ पर मैं तेल में थोड़ा सा मंगरेल डालूँगी, यानी कि काला जीरा कलौंजी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं भाप निकल रहा है, तो तेल मैं बंद कर दूँगी एंड थोड़ा सा जब हल्का सा गर्म होगा तब उसके अंदर मैं डालूँगी कलौंजी, बट थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, अभी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा रुकेंगे। अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया, तेल अभी बहुत गर्म है, ये देखिए लिटरली भाप निकल रहा है, तो इसको हाफ कोल्ड होने देते हैं ठंडा। हाँ मैंने तेल बंद कर दिया है एंड इसमें मैं डाल रही हूँ कलौंजी और थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया, गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे, अचार है भाई अचार। अगर बहुत सारे लोग लहसुन खाते हैं तो वो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं लहसुन वगैरह नहीं डाल रही हूँ, मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे सब चीज़ों की ज़रूरत है। और तेल को बहुत ज़्यादा ठंडा भी करना नहीं है, एकदम ऐसे ही नॉर्मल इतना के देखिए, मतलब हाँ इतना ओके है। तो चलिए अभी हमारा जो मेन चीज़ है अचार, इसको बना के लेंगे फटाफट। चलिए गाइस तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे रखी थी, तो और इतना एक्स्ट्रा पानी डिस्कार्ड हुआ है, यानी कि जो नमक हमने डाला है ना वो नमक इसमें ऑलरेडी जो है वो निकल चुका है। यहाँ पे देखिए कैरी, एंड गाइस ये है राई की दाल, पीली राई की दाल है ये मैंने ऐड कर दिया है। गाइस इसमें ऐड करूँगी मैं अभी रेड चिली पाउडर, तीखा वाला, आपको जितना तीखा पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आमचूर पाउडर, चाट मसाले वो डालते हैं, बट इसमें ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने 3 चम्मच डाल दिया है रेड चिली पाउडर, ये तीखा वाला है,
अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप कलर वाली मिर्ची डाल सकते हैं इसमें। एंड जो मसाला मैंने बनाया था अचार का मसाला है गाइस, तो ये मैं डालूँगी इसमें। और ये मैं पूरा नहीं डालूँगी, जितना मुझे लगता है मैं उतना ही ऐड करूँगी, बाकी का मैं स्टोर कर लूँगी। आप इसको स्टोर करके इसमें मिर्ची का अचार भी बना सकते हैं। मेरा गला हो गया गाइस फिर से ख़राब, अभी मैं अम्मी से ही बात कर रही थी। ओके, तो ये देखिए मैंने इतना मसाला डाल दिया गाइस, और आधा मसाला मैं रख दूँगी, इतना मुझे मिर्ची का अचार अगर बनाना है तो उसमें काम आ जाएगा। एंड नमक और ऐड करी, बिकॉज जो इसमें हमने नमक डाला था गाइस वो मिक्स हो चुका है, मतलब निकल चुका है, डिस्कार्ड हो चुका है। और यहाँ पर हमने जो हींग गला ख़राब हो गया मेरा, राई का तेल है गाइस, एंड जो हींग और कलौंजी हमने इसमें डाला था उसका तेल हम इसमें ऐड कर देंगे, कलौंजी। अब इसको गाइस हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। एंड सिरका यानी के हींग, सॉरी विनीगर हम अभी, आप भी तुरंत नहीं डालना क्योंकि तेल थोड़ा गर्म है, हल्का सा ये ठंडा हो जाए तब इसमें आपको डालना है थोड़ा सा विनीगर। तो यहाँ पर गाइस देखिए मैंने कांच का बर्नी भी लिया, आपको बताया है, तो बर्नी मैंने धूप में रखा है क्योंकि मैंने धो के रखा हुआ है। अभी मैंने सुबह में ही ऑनलाइन से मंगाई थी वो बर्नी, बिकॉज मेरे पास कांच की बर्नी है बट उसमें ऑलरेडी सामान वगैरह रखा हुआ है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर मैं एक कटोरी के मेजर से लूँगी गाइस, ये कटोरी में मैं विनीगर लूँगी, मेरे पास वाइट विनीगर है, ये देखिए। बस गाइज मैंने ये एक कटोरी विनीगर डाला है इसमें। विनीगर एक, इससे फॉर्मेंटेशन अच्छा होगा, अच्छे से बनेगा और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और इससे अच्छा खट्टापन आएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरा अचार बनके रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसको अभी भी खा सकते हैं, या फिर दो दिन अगर आप इसको धूप लगा देंगे ना तो आपका अचार एकदम परफेक्टली बन के रेडी है। तो इसको मैं बर्नी में डालती हूँ, एंड मेरे यहाँ पे तो धूप आता ही है तो मैं दो दिन धूप लगाऊंगी डेफिनेटली। बट अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है और आपको चाहिए अचार तो आप डायरेक्टली भी कैरी कर सकते हो, बट अगर धूप लगाओगे तो और अच्छा है, इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। चलिए कबीर ज़रा बालकनी में से बेटा वो कांच की बर्नी लाओ, मेरा नाक बंद है बट मुझे ना हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू आ रही है। ओके गाइस, परफेक्टली आम का अचार बनके रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है, बिकॉज देख के ही ढक्कन भी है उसका, वहीं से लाओ। कांच की बर्नी मंगाई थी गाइस मैंने ऑनलाइन से, उसको धो के मैंने रख लिया था, ये देख लिए कांच का जार। अब इसमें हम जो अपना अचार है, अचार बिस्मिल्लाह इसमें डालेंगे। तो गाइज़ आप लोग भी बना सकते हैं ऐसा अचार घर में, वेजिटेबल्स का भी आप लोग बना सकते हो, बिकॉज जो लोग खट्टा मतलब कैरी नहीं खाना पसंद करते हैं, इसका ढक्कन लाओ वहाँ से, जो लोग मतलब कैरी नहीं खाना पसंद कर करते हैं उनके लिए वेजिटेबल्स का अचार सबसे बेस्ट है गाइज। चलिए यहाँ पे हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है, अब मैं गाइज इसको दो दिन का धूप लगाऊँगी। गाइज फाइनली आप देख सकते हैं अचार बनके रेडी हो चुका है, और ये दो बर्नी में आया है पूरा, तो मैंने गाइज दोनों बर्नी में देखिए अचार को रख लिया है, आप देख सकते हो तेल भी देखिए मस्त से आपको दिखेगा। एंड बाहर बहुत धूप है तो गाइज मैं इसको रखने वाली हूँ बाहर धूप में, मैं तो दो दिन धूप लगाऊंगी, धूप लगाने के बाद ही मैं इसको खाऊंगी। तो चलिए इसको रखते हैं गाइज धूप में, एंड नहीं रेस नहीं लेने का वरना फूट जाएगा। तो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरे आम के अचार की रेसिपी, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए धूप है, चप्पल ये सब हटाओ, यहाँ पर हटो। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पुदीना भी रखी हूँ धूप लगने हल्का सा, एंड यहाँ पे देखिए मैंने अपना अचार, जो बाहर आ जाओ धूप, गाइज़ देखो धूप लगने के लिए मैंने अचार भी रख दिया क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा धूप है बाहर, आ जाओ बाहर, चप्पल साइड में रखो बेटे, यहाँ से हटो। तो देखिए गाइज यहाँ पे धूप लगने के लिए मैंने रख दिया है मस्त से, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ आता है, जब आता है ना बहुत ज़्यादा, तो आप देख सकते हो मस्त से एकदम मस्त कलर दिख रहा है गाइज,
जेन्युइनली बहुत मेहनत से बनाई और झटपट बना है, बट बहुत अच्छा। दो दिन धूप लगाऊंगी उसके बाद आप वैसे तो आप अभी भी खा सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।